ताज नगरी में कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से एहतियात बरत रहा है। शहर के ऐसे इलाकों को सील कर दिया गया है जहां अधिक मात्रा में संक्रमित मरीज मिले हैं। जिलाधिकारी पीएन सिंह ने कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए अपील की है और कहा है कि ऐसे इलाकों में ना जाएं जहां एक से अधिक संक्रमित मरीज मिले हैं। बता दें कि ताज नगरी में सोमवार तक 50 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जहां पर इन मामलों में तबलीगी जमात से लौटे 31 जमाती भी हैं। संक्रमितों की लगातार संख्या बढ़ने पर जीवनी मंडी, जगदीशपुरा, शास्त्री नगर के एफ ब्लॉक के अलावा आसपास की घनी बस्तियों को भी सील कर दिया गया है और वहां पर पुलिस तैनात कर दी गई है। लेटेस्ट जनपद आगरा की अब संख्या 50 हो गई है। उस 50 में से 8 लोग सकुशल अपने घर में वापस जा चुके हैं। एक्टिव केसेस 42 हैं। इस 42 में से कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जहां पब्लिक को ध्यान रखना होगा। अभी हम कुछ देर में पब्लिकली अनाउंस भी करने जा रहे हैं, सारे जगह जितने पेपर्स हैं, न्यूज हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, एंड इस जगह लोगों को जाने के लिए मनाई है। इस जगह को लॉकडाउन भी कर दिया गया है ताकि कोई जा ना पाए। ये जगह है, पहला हमारा एपी सेंटर सबसे बड़ा निकल के आ रहा है, एसआर हॉस्पिटल नामनेर। जनता से अपील है कि उसके आसपास अभी जाना अवॉइड करें। इसके अलावा कृष्णा विहार जो जीवनी मंडी में है, एक वो अलग सेंटर निकल के आ रहा है। मोहनपुरा रावली, यह एक सेंटर है, एंड सार्थक हॉस्पिटल कमलानगर। ये चार ऐसे सेंटर है जहां पे एक से ज्यादा केसेस मिले हैं, एंड लोग वहां जाना अवॉइड करें। इसके अलावा जो जमात से जुड़े हुए संख्या थी वो 31 है। यहां भी अलग से 8 सेंटर्स डिफरेंट हैं, उसको हम लोगों ने बैरिकेडिंग प्रॉपर कर दी है। किसी को जाना आना भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। जो इसेंशियल सर्विस है उसके लिए हमने अलग से वहां व्यवस्था किया हुआ है। एक और अनुरोध सबसे है कि कृपया करके अब जब भी आप बाहर निकलें मास्क का उपयोग जरूर करें, बिकॉज हमें यहां पे अपने आप को बचाना और इस स्प्रेड को बचाना बहुत जरूरी है। अभी कॉल सेंटर का भी उद्घाटन हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। जनपद में कॉल सेंटर 25 तारीख से ही फंक्शनल है और अगले 14 तारीख तक के लिए ये फंक्शनल रहेगा। अभी तक हमने टोटल 7,287 कॉल यहां अटेंड किए हैं। यह कॉल डिफरेंट कैटेगरी के आए थे। हम लोग इसका एनालिसिस भी करते हैं कि किस कैटेगरी की कहां प्रॉब्लम आ रही है। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आटे की थी। अब आटे की संख्या जो कॉल थी वो काफी कम हो गई है। कल टोटल दिन भर में सिर्फ 15 कॉल आए हैं, उसके एक दिन पहले एक भी कॉल नहीं आया था। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की शिकायत रहती थी, धीरे धीरे शिकायतें काफी कम हो गई है, एवं कल सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन भर में सिर्फ 9 शिकायतें आई हैं। ग्रोसरीज की शिकायतें भी पहले काफी थी, धीरे धीरे ये भी शिकायत काफी कम हो गई है, और लास्ट 24 आवर्स में इस कंट्रोल रूम में सिर्फ 25 शिकायतें आई हैं। मेडिसिन की शिकायतें शुरू में भी काफी कम थी यहां पे, लेकिन फिर भी सिर्फ 4 शिकायतें आई हैं। अदर कैटेगरी में जो शिकायतें हैं लगभग 200 कल जो आई हैं, इसमें जो हमारा राशन कार्ड बट रहा है उसमें कुछ शिकायतें थी, उसके लिए भी विशेष प्रयास किया जा रहा है। जनपद में टोटल 6.93 लाख हमारे राशन कार्ड होल्डर्स हैं, उसमें से जब 1 तारीख से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ था हम लोगों ने कल तक 5,29,000 लोगों को कार्ड बांट दिए हैं, एंड इसके अलावा इसमें से 86,000 लोग ऐसे हैं जिनको निःशुल्क वितरण किया गया है। जनपद की टीम पूरी तरह कार्य कर रही है। कुछ हमारे एपी सेंटर्स बढ़े हैं, जिस तरह हम लोगों ने 8 लोगों को सकुशल भेजा है, जनपद के स्वास्थ्य टीम समस्त टीम का 100% या अपना डेडिकेटेड टीम इस बात के लिए काम करे कि ये लोग लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।